नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। कल आपने इसी कार्यक्रम में राव विधानसभा क्षेत्र के विधायक जीतू जिराती से मुखातिब थे आप। आज हमारे साथ हैं राव विधानसभा क्षेत्र के ही कांग्रेस के नेता, मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और विधानसभा चुनाव लड़ चुके जीतू पटवारी। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जब भी राव की बात होती तो जीतू भी बिना राव की बात पूरी नहीं होती। एक जीतू जिराती है, एक जीतू पटवारी है। दोनों एक ही समाज के हैं, खाती समाज के हैं। दोनों के पिता का नाम भी संयोग से एक ही है और जीतू तो नाम एक है ही। और दोनों युवा हैं, एक भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं प्रदेश के, दूसरे युवक कांग्रेस मध्य प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं। तो बड़ा साम्य है दोनों में। और क्या क्या आप दोनों में साम्य है जीतू भाई? वो मेरा भाई है, हम एक गांव के हैं, परिवार के हैं, बचपन से साथ में एक दूसरे को देखा है, एक दूसरे की कार्यशैली को जानते हैं। आप शराब की दुकान बंद कराने के लिए लगते हैं, ये भी अच्छी बात, मैं भूल गया था अभी। नहीं, शराब की दुकान को लेकर, कई अच्छे उद्देश्यों को लेकर अगर साथ में लड़ते भी हैं तो बुरा क्या। और रही बात इसकी कि शराब की एक दुकान की लड़ाई नहीं है, लड़ाई है पूरी शराब नीति। मतलब शराब की नीति ही गलत है आपको लगता है? मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार ने आज सरकार का जो काम होता है उसके विरोध, एक उसके विपरीत एक धारा भाई चालू की है, और वो ये है कि मध्य प्रदेश के सारा युवा शराब के नशे में डूब जाए, इतनी शराब मिले कि दो कदम जाके हमें दुकान मिले, दो कदम पे अवैध शराब मिले, दो कदम पे जाके शराब से होने वाले अपराध मिले, इस तरीके का वातावरण पूरे प्रदेश में और इंदौर शहर में हो गया। शराब तो राजस्थान में भी शराब का यही हाल है, महाराष्ट्र में भी यही हाल है, शराब तो वैसे ही मिल रही है। बात इतना है कि शराब से रेवेन्यू जनरेट होता है सरकारों को, कांग्रेस की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या और कोई सरकार। बात इतनी है कि क्या सरकार की इस नीति के कारण देश के या प्रदेश के आम जन को उससे कुछ सुख या कुछ सुकून मिलता है? मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में तो नहीं मिलता है। जहाँ तक राजस्थान और महाराष्ट्र की बात है, अगर ऐसी ही नीति है तो उसको भी चेंज किया जाना चाहिए। शराब, आप शराब पीते हैं? मैंने जिंदगी में छुई भी नहीं शराब। लेकिन आप दिल्ली में पत्रकारों को तो शराब पिलाते हैं? आज तक कभी कोई सहयोग, आप भी पत्रकार हैं, मैंने आपको पिलाई? दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, दिल्ली में तो मध्य प्रदेश भवन के आसपास आपके पत्रकार मंडराते रहते हैं, आपके आसपास आप उनको दावत देते हैं, शराब पिलाते हैं? नहीं, बात इतनी है, मतलब पत्रकारों से अगर कोई दोस्ती हो जाए या कोई शराब पीने वाला व्यक्ति मेरा दोस्त हो जाए तो मैं उसको, यानी शराब पीने वाला व्यक्ति बुरा होता है ये किसने कहा? मैंने तो नहीं कहा। शराब नीति का विरोध करता हूँ मैं, शराब के तरीके को, पीने के तरीके का विरोध करता हूँ। मैंने जिंदगी में कोई शराब को आज तक सेवन नहीं किया है और न आज तक, मुझे जहाँ तक समझता हूँ, मैंने किसी को शराब व्यक्तिगत रूप से पिलाई भी नहीं। पर बात इतनी है कि शराब मुद्दा विरोध का नहीं है, शराब की व्यवस्था मुद्दा है, शराब कैसे बिकना चाहिए। वो शराब से रेवेन्यू जनरेट तो होता ही है पर जनता उससे ज्यादा दुखी होती है, दुख को कम कैसे किया जा सकता। मिश्र नगर की अन्नपूर्णा रोड पर, मिश्र नगर के जिस शराब की दुकान के खिलाफ आपने कल शाम को प्रदर्शन किया, बीती शाम प्रदर्शन किया, वो दुकान कोई आज से तो खुली नहीं है, पहले से, काफी पहले से है, बरसों से दुकान है वो, और 3 साल पहले तक वो दुकान कांग्रेस के एक नेता के खास व्यक्ति की रही है, तब तो आपने विरोध नहीं किया। ऐसा है, बात इतनी है कि उस शराब के व्यक्तिगत, जो पर्टिकुलर मिश्र नगर की शराब की दुकान की हम बात करें, हम 3 साल से उसको लेकर, उसके विरोध को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। जब 3 साल से पहले वहाँ रहवासी जो इतने पीछे जो रहते वाले लोग थे वो कम थे या नहीं के जैसे थे। मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे लोगों का वहाँ पर, रहवासियों का आना जाना या बढ़ना या रहना शुरू हुआ, वैसे वैसे उसका विरोध बढ़ा। क्योंकि मैं उसी विधानसभा से आता हूँ, वहाँ लोगों की सेवा कर रहा हूँ, चुनाव जीत हार अपनी जगह है, तो मेरे पास ये मुद्दा कई बार आया है। और ऐसा नहीं कि मैंने कल या इस समय अभी विरोध किया, इससे पहले भी समय समय पर उसका विरोध किया है। पर सवाल ये उठता है कि कलेक्टर साहब से पिछले लास्ट ईयर में हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था 31 मार्च जब एंडिंग होता है, जब ये दुकान स्थानांतरित की जाएगी। हमने उसको लेकर मिले, उससे बात करी, वो नहीं हुआ, तो 15 दिन पहले इसके विरोध का प्रोग्राम बनाया। और विरोध के प्रोग्राम बनाने के साथ ही साथ हमारा कार्यक्रम चालू हुआ है, तो कोई भावना या व्यक्तिगत दुर्भावना के कारण उस दुकान का विरोध हो रहा है। प्रदर्शन करने से पहले ही वहाँ बीजेपी के विधायक और स्थानीय नेता
जीतू जिराती पहुंच गए और उन्होंने सुबह ही उसका दुकान का पे सामने प्रदर्शन किया और दुकान पे दरवाजा शटर नीचे गिरवा दिया। फिर आप शाम को गए, आपने ताला लगाया और चाबी पूरे तालाब में फेंक दी, ऐसा हुआ। जीतू जिराती जी का जहां तक प्रश्न है, अगर वो दुकान बंद कराते हैं तो मैं उनके साथ उनका स्वागत करता हूँ। कोई राजनीतिक द्वेषता या राजनीतिक प्रतियोगिता, कोई व्यक्तिगत प्रतियोगिता इसमें नहीं है। मूल उद्देश्य यह है कि दुकान बंद होना चाहिए। सुबह वो गए, हमारा कार्यक्रम 5 दिन पहले से था। किस कारण से गए, क्यों गए, क्या उसके पीछे लॉजिक था, मैं उन पर नहीं जाना चाहता। अगर उनको जाना था तो पहले भी जा सकते थे, 2 दिन बाद में भी जा सकते, और उस दिन भी गए तो कोई मैं नहीं समझता हूँ बुरा है, अच्छा काम है, जाना चाहिए। आपके कई साथी कहते हैं कि जीतू जिराती जी उस दुकान को बंद कराने इसलिए गए क्योंकि एक अवैध शराब विक्रेता के पक्ष में बोलने के लिए वो थाने में गए थे, उसके खिलाफ कार्रवाई की जानकारी लेने थाने गए थे, इसलिए उन्होंने दुकान को बंद कराने के लिए, शराब की दुकान बंद कराने को लेकर प्रदर्शन किया। क्या ऐसा होगा? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि वो उनके अवैध शराब की बिक्री और उनके माफियाओं का क्या उनसे संबंध है या उनका क्या उनको समर्थन है, क्या वो उनका विरोध करते हैं, ये बात जग जाहिर है, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। पर इतना खुल के कह दीजिए कि वो क्या है। नहीं, शराब आप थाने पे जाते हो, एक व्यक्ति जो शराब अवैध शराब में पकड़ाए हैं उनका समर्थन करते हो, उनको लेकर CSP से झगड़ते हो या किसी भी प्रकार का विरोध दर्ज कराते हो। अगर शराब बेचने, अवैध शराब बेचने वाला अगर कोई व्यक्ति है और उसको प्रशासन ने पकड़ा है या पुलिस प्रशासन उसको गिरफ्तार करके एक दिन रख भी लिया, तो अवैध काम ही कर रहा था ना। कोई पूजा पाठ तो करते हुए नहीं लगे उसको, तो कि 9 घंटे में छोड़ा कि 5 घंटे में छोड़ा। अगर उसको पकड़ा था, एक आरोपी है, तो उसको जो सजा कानून सम्मत होती है मिली भी होगी, मिलना भी चाहिए। उनका यही कहना है, राकेश जी का यही कहना है कि भाई आपने किसी को पकड़ा है थाने में, नियम विरुद्ध आपने क्यों रिटेन करके रखा? क्या नियम विरुद्ध होता है, कोई नियम मालूम है क्या इस मामले के? उनका कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को पकड़ा तो उस पर कार्रवाई नाम से दर्ज होना था। मैं व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप पे कभी ना अभी तक गया हूँ ना आगे जाऊंगा, पर जो मेरे को अखबारों से और आप लोगों के माध्यम से जो मैंने देखा पढ़ा सुना, उससे लगता है कि एक अपराधी है जिसको एक जनप्रतिनिधि जाता है और छुड़वाने की कोशिश करता है या उसकी सहायता करने की कोशिश करता है या उसको किसी न किसी प्रकार के उसमें कोई मैं समझता हूँ दुर्भावनावश कोई अगर उनने कहा कि दुर्भावनावश उस पर कोई कार्रवाई हो रही हो तो उसको बचाने का प्रयास करता है। काम वो था तो अवैध शराब का व्यवसाय, 3 पहले केस है उस पर, कई बार पकड़ा चुका है, कई बार छोड़ चुके हैं। ऐसा क्या हो गया कि हम अच्छे कामों के लिए तो कभी ताकत से इतने जाते नहीं है कहीं, या हमारा कोई ऐसा उल्लेखनीय काम ऐसा अभी तक नहीं दिखा कि जिससे कि जनता को याद रहे, हमें याद रहे। शराब व्यवसायियों को छुड़ाने, अवैध शराब व्यवसायियों को छुड़ाने में हमारे काम अच्छे लग रहे हैं या हम ताकत से उसके लिए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ ये उनका काम नहीं है। मैं आपकी TV के माध्यम से, मेरा चूंकि भाई भी है, बचपन से दोस्त भी है, व्यक्तिगत रूप से तो मैं बोल ही चुका हूँ, अब सार्वजनिक रूप से मैं बोलना चाहता हूँ कि विधायक का काम ये नहीं होता कि किसी अपराधी को छुड़वाना या बंद करवाना। विधायक का काम होता है विकास के कार्यों के लिए लड़ाई लड़ना। अपनी सरकार है तो उससे कैसे भी पूरी मेहनत करके वहाँ के लोगों की सहायता हो, विकास हो, इस पर काम करना, ये इसलिए काम करना कि जनता के दुख दर्द में हम हर वक्त खड़े रहें, ये आपका काम है। ये काम नहीं है कि अपराधियों को आप, और हमारा काम है आप पे निगाह रखना, चूंकि मैं उनके सामने चुनाव लड़ा हूं। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं कांतिलाल जी भूरिया साहब जी, केंद्र में मंत्री रह चुके, कैबिनेट मंत्री थे या प्रदेश कांग्रेस, उन पर भी तो आरोप है कि रतलाम में एक बड़े शराब माफिया और एक हथियार कांड के आरोपी को वो संरक्षण देते रहे, तो बहुत अगर देते रहे तो वो कोई भी हो, मैं खुद क्यों ना हूं, उस पर शासन का प्रशासन कार्रवाई करे। ये फिर पंगु प्रशासन कैसा है जो ऐसा अवैध काम होते हैं और उन पर आरोप लगते हैं, उसकी जांच नहीं होती और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उनकी गिरफ्तारी तो आपके कांग्रेस के नेता कांतिलाल भूरिया जी उनके समर्थन में आ गया है, तो ऐसा कि कांग्रेस का नेता अगर शराब माफिया को सपोर्ट करे तो वो सही काम, बीजेपी वाला अगर किसी अगर कांग्रेस का नेता ऐसा, पहले तो कांतिलाल जी भूरिया हमारे सम्मानित नेता है, मेरे नेता है खुद के, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया होगा जिसका मुझे बचाव करना पड़ा। और रही बात इसकी कि अगर कोई काम ऐसा हुआ भी है, कोई अपराधी ऐसा है, तो कानून क्या आंख पर पट्टी बांध के बैठा है,
सरकार क्या सो रही है, उनका काम है ताकत से उनको गिरफ्तार करें, कार्रवाई करें। आपने बयान दिया इस कांड के बाद, एक पुलिस अधिकारी का तबादला हुआ तोमर जी का, दिलीप सिंह तोमर का, तो आपने बयान दिया कि इससे पुलिस का मनोबल गिरेगा, क्या वाकई मनोबल गिरेगा? एक पुलिस अधिकारी हो, सिपाही हो, एसपी हो, सीएसपी हो या टीआई हो या और किसी महकमे का कोई अधिकारी हो, अगर वो कोई अच्छा काम करता है, खराब काम करते हैं उस पर भी ध्यान रखना चाहिए, पर अच्छा काम करता है तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। जनप्रतिनिधि होने के नाते या जनता के सर्वेंट होने के नाते मैं इस बात को अच्छे से समझता हूँ कि एक अधिकारी पर सो दबाव होते हैं, पॉलिटिकल भी होते हैं, प्रशासनिक भी होते हैं, सामाजिक भी होते हैं, उन सब से उसको बचते हुए अच्छा काम करना चाहिए। इस पूरे प्रकरण में अगर दिलीप तोमर जी की कोई मंशा या दुर्भावना भी अगर इस पूरे प्रकरण में थी तो भी काम अच्छा कर रहे थे। अगर उनने अच्छा काम किया था और उस तरीके से उनको हटाया गया मुख्यमंत्री जी ने, एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अपराध रोको और एक तरफ कहते हैं अवैध शराब के व्यवसायियों को छोड़ने वाले सीएसपी को बर्खास्त करो या लाइन अटैच करो, मैं नहीं समझता हूँ कि इस प्रशासन की मंशा या इस सरकार की मंशा या इस मुख्यमंत्री जी की मंशा अपराध रोकने में है या कानून व्यवस्था सही करने में है। उनके करनी और अपनी में अंतर दिखता है, गलत हुआ उनके साथ। पटवारी जी, आप कांग्रेस के नेता हैं, क्या कांग्रेस के जमाने में इस तरह पुलिस अधिकारी के तबादला नहीं होते थे? क्या भास्कर दीवान इंदौर आईपीएस अधिकारी थे, एडिशनल एसपी थे, उनका ट्रांसफर बस्तर किया गया, अविभाजित मध्य प्रदेश की बात है, विभाजन के पहले की बात है, और वहां नक्सलियों के हमले में उनकी जान चली गई। प्रताप सिंह राणावत जी एक अधिकारी थे जिनका तबादला इंदौर के कांग्रेस नेता के दबाव में आकर किया गया। सूदन साहब एक पुलिस अधिकारी थे, इनका तबादला कांग्रेस के नेताओं के दबाव में हुआ। तो पुलिस अधिकारियों पर तो कांग्रेसियों का दबाव भी हमेशा रहा। मैं मानता हूँ इस बात को, मैंने अभी पहले मैंने उत्तर दिया उसमें सारी बातें कही थी कि राजनीतिक क्षेत्र के, सामाजिक क्षेत्र के और व्यक्तिगत और प्रशासनिक दबाव आते हैं, पर जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति होता है उसके हमेशा ये भावना होनी चाहिए कि सही काम को प्रमोट करे, ताकत दे, मदद करे। अगर मुख्यमंत्री जी ने ऐसा किया या और किसी व्यक्ति ने कांग्रेस का हो या बीजेपी का ऐसा किया तो वो गलत है, उसका मैं विरोध करता हूँ। मतलब कांग्रेस को भी ऐसा नहीं करना था? अगर हुआ है, मेरे नॉलेज में नहीं है, अगर हुआ होगा तो गलत हुआ होगा। एक जमाना था जब दिल्ली में राहुल गांधी की आत्मा आप में सवार हो जाती थी और आप वहाँ दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन में घूमते थे, बड़े बड़े नेताओं को आप नाम लेकर बुलाते थे और लोग आपके आगे पीछे घूमते थे। राहुल गांधी की पॉलिसी थी जिसके मुताबिक उन्होंने दो श्रेणियों में अपने युवा ब्रिगेड को बांटा था। एक ब्रिगेड वो थी जिन्हें सांसद का टिकट दिया जाना था, दूसरी ब्रिगेड आपकी थी जिसमें विधायकों का टिकट बांटना था। मानक टैगोर, अनिल पवार, मीनाक्षी नटराजन सांसदों की सूची में थे, आप विधायकों की श्रेणी थे। ये सारे लोग जो युवा ब्रिगेड के लोग थे कांग्रेस के, तो ये सब अच्छी स्थिति में जीते। आपके पक्ष में भी राहुल जी आए यहाँ इंदौर में, उन्होंने रोड शो किया, दिल्ली में भी उन्होंने पटपरगंज से रोड शो किया मदर डेयरी तक। दिल्ली का उम्मीदवार जीत जाता है, आप नहीं जीत पाते, वही राहुल गांधी है, वही कांग्रेस है, वही पॉलिसी है, ऐसा क्या हुआ कि आपको वो मुकाम नहीं मिला? बिल्कुल सही है, आपके इस प्रश्न की पीड़ा मेरे में अंदर है और मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि जितनी ताकत से राहुल गांधी जी ने मेरी मदद की थी उतनी ताकत से मैंने रिजल्ट नहीं दिया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, सजा है मेरी ये कि ये 5 साल मैंने उसके बाद कोई पद नहीं मांगा है और उसके बाद साल बाद जो भी पद मुझे मिला है उस वो जबरदस्ती दिया गया है या मैंने मना करने के बाद भी दिया गया है। मैं पार्टी का वर्कर हूँ, चूंकि मुझे राहुल गांधी जी ने मध्य प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था, उन्होंने सरकार कांग्रेस की सरकार बने इसके लिए मुझे टिकट दिया था। अगर मैं उस पर सफल नहीं हुआ तो मेरा धर्म बनता है कि मैं उनके सपनों को या उनके जो सोच को मैं साकार करूँ और 5 साल मेहनत करके उसकी सजा है कि मैं दूसरे पदों पर नहीं जाके ये पूरा काम करूं और उनके फिर भावनाओं को जीत के जो आप चाहते हो वो करूं। ऐसा नहीं लगता कि जैसे दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि मध्य प्रदेश में अगर हम नहीं जीते तो मैं 10 साल तक राजनीति से दूर हट जाऊंगा, आप भी ऐसी कोई भावना आप में आ गई? नहीं, मैं दिग्विजय सिंह जी इतने बड़े नेता है, इतना बड़ा कद है उनका, वो जो बात कहते हैं उसका अपना अपना एक वजन है, मैं छोटा सा अपना सा कार्य करता हूँ। मेरा व्यक्तिगत सोच है कि जो मेरे पे भरोसा किया उसको मैं पहले कायम करूं फिर दूसरी चीजों के लिए आगे बढ़ूं। इंदौर शहर की बात करें, इंदौर शहर में कांग्रेस के पार्षद दल में ही अलग अलग गुट है, 3 गुट कहे जा सकते हैं। एक गुट है युवा पार्षदों का, एक है वरिष्ठ पार्षदों का, एक है अल्पसंख्यक पार्षदों का, तो ऐसे कांग्रेस कैसे चलेगी इंदौर? बात इतनी है कि जहां तक पार्षदों के गुट का सवाल है,
ये मेरे नॉलेज में इस बात को नहीं, पर अखबारों के माध्यम से ये बात आती है। मैंने अभी सारे पार्षदों से बात की थी और सबसे बात करके ये कहा था कि हम एक दूसरे से व्यक्तिगत तौर पर नाराज हो सकते हैं, पर सार्वजनिक स्तर पर या नगर निगम के पार्ट पर हम सबको एक होना चाहिए। अलग अलग स्तर पर अलग अलग बार मैंने सबसे बात करके ये किया है। मैं समझता हूँ आगे आने वाले समय में आपको सुधार दिखेगा। ये 3.5 साल आपने क्या किया, अपने क्षेत्र में क्या काम किया, अगले चुनाव की तैयारी में क्या काम किया, क्या आप तो मुतमईन है कि टिकट आपको मिलेगा अगली बार या कोई अल्पसंख्यक उम्मीदवार टिकट ले जाएगा? जहाँ तक बात है टिकट का, वो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व तय करता है किसको देना है। पर जब एक बार 5 साल के लिए चुनाव होता है तो एक व्यक्ति जीतता है और एक व्यक्ति हारता है। एक पार्टी जीतती है, दूसरी पार्टी हारती है। जीत कर तो सेवा करना उसका धर्म बनता है जो जीता हुआ व्यक्ति है, पर हार कर सेवा करने का एक अपना आनंद है। जिस दिन से मैं इलेक्शन हारा हूँ उस दिन से आज तक मैंने कभी कोई व्यक्ति ये शिकायत कर दे कि जीतू पटवारी हमारे बीच में नहीं रहा, हमारी समस्या के लिए नहीं लड़ा, मेरे परिवार में, मेरे घर पे, मेरे ऑफिस पे कोई व्यक्ति इस आस को लेके आया कि जीतू पटवारी को ये काम बताएंगे और हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई को मैंने निराश भेजा है, और अगर भेजा भी होगा तो कोई मेरी अक्षमता होगी या मेरे पास इतना ताकत नहीं होगी उससे भेजा होगा। मैं उसी दिन से पार्टी की और जनता की सेवा कर रहा हूँ जिस दिन से रिजल्ट आया था। जीत कर हार कर फर्क नहीं पड़ता है, आप मदद करना चाहें, सेवा करना चाहें क्षेत्र के लोगों के लिए, जिस काम को लेकर आपको जिस क्षेत्र में गए हैं करना चाहें, तो उसमें हार जीत मायने नहीं रखती है, काम मायने रखता है, मेहनत मायने रखती है, और मैं कर रहा हूँ। जरा डिटेल बताइए आप क्या क्या कार्य कर रहे हैं। खेल आयोजन कराते हैं, गरबा कराते हैं, राऊ में पटाखा फैक्ट्री में आग लगी तो उसके पीड़ितों को आपने व्यक्तिगत रूप से मदद की, और क्या क्या किया आपने? नहीं, बात गरबा करवाना या खेल आयोजन कराना ये सामाजिक सेवा में मैंने समझता हूँ कि आता है, ये एक धार्मिक सेवा है। नहीं, वो भी मैं नहीं समझता हूँ, वो तो मेरा लुकआउट है नहीं, वो जिनका है उनसे आप पूछेंगे तो मैं समझता हूँ ज्यादा बेहतर होगा। पर राजनीतिक व्यक्ति का काम होता है कि जो गडर नाली से लेके एक उच्च स्तर की जो भी समस्या है वो लोगों की सुने और उसको समाधान करने की कोशिश करें, लोगों के दुख दर्द में खड़ा रहें, व्यक्तिगत रूप से उन लोगों की मदद करें जो आप पे आस रखते हैं, आप पे वो रखते हैं। गरबा कराना महत्वपूर्ण नहीं है, कोई सामाजिक गतिविधि करना महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्तिगत रूप से राजनीति का अपना काम है, वो करना चाहिए। मेरे ऑफिस में मैंने एक ऐसा सिस्टम बना के रखा है कि वहाँ पर अगर एक आदमी जिसका जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हो, या किसी को स्कूल से लेकर, किसी की नगर निगम से लेकर, किसी की कलेक्ट्रेट से लेकर, या किसी की जैसी भी जो समस्या हो उसका समाधान हो, एक समाधान केंद्र टाइप में चलाता हूँ, जिससे कि ये सबसे महत्वपूर्ण उन लोगों के लिए जो गरीब आदमी है जिसको सबसे ज़्यादा हमारी ज़रूरत होती है। और मैं एक अच्छा राजनीतिक कार्यकर्ता उसको समझता हूँ जो एक अच्छा राजनीतिक वर्कर हो सकता है, नौकर हो सकता है। तो एक अच्छे राजनीतिक नौकर के रूप में अपनी भूमिका को अच्छे से वहन करो या अच्छे से उसका उसके रोल को प्ले करो, ये मैं समझता हूँ कि उसमें मैं कोशिश हमेशा जारी रखता हूँ। आप इतने पढ़े लिखे नेता हैं जी, बैकग्राउंड भी आपका अच्छा है जी, रिसोर्सेज भी काफी हैं जी, पार्टी में आपकी पहुंच है, आपको ये क्यों नहीं लगता कि आप अपने क्षेत्र में कोई बड़ा उद्योग धंधा खोलें ताकि लोगों का विकास हो? जैसा कि दक्षिण भारत में ये आम परंपरा की सारे प्रभावशाली नेता अपने क्षेत्र के विकास के लिए व्यक्तिगत प्रयत्न भी करते हैं, इसका कोई विचार आपके मन में? बिल्कुल है, मैं चाहता हूँ कि मैंने जैसे मेरे घोषणा पत्र में कहा था कि राऊ विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसको हम एजुकेशन हब बना सकते हैं। मुझे याद है कि इलेक्शन के आज 3.5 साल पौने 4 साल हो गए हैं, कोई ऐसी नई चीज़ जिसको उल्लेख नहीं कहे प्राइवेट सेक्टर में या सहकारी सेक्टर में राऊ के लिए नहीं आई है। मेरा प्रयास था उस समय कि एक अच्छा बड़ा मेडिकल कॉलेज यहाँ हम डालें, किसी प्राइवेट कंपनी को लाकर या व्यक्तिगत सरकार की मदद से, या सरकारी मेडिकल कॉलेज कैसे डाले इसको लेकर मैं प्रयास करूँगा, पर दुर्भाग्य से वो पूरा नहीं हुआ, पर ये मेरा सपना है आगे पूरा करूँगा। आप हमारे स्टूडियो आए, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो, धन्यवाद। न्यूज़ मेकर्स में फिलहाल इतना है।